जय हिंद दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि धर्म कांटा में कौन से बटन का कैसा यूज़ होता है एंड धर्म कांटा कैसे चलाया जाता है। जो कि ये देख रहे हैं हमारा प्रिंटर जो कि है TVS का, और ये हमारा मॉनिटर। यहाँ से हम कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सहारे हम टाइप करते हैं। जो लोड हम यहाँ टाइप करते हैं इस वाले डिस्प्ले पे शो होता है। ठीक है, तो हम इसमें पहले करेंगे क्या, आप लोग बारीकी से देखते रहना, मैं आपको अच्छे से डिटेल्स आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो हाँ, यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा, कीबोर्ड में देखने को मिलेगा F1 बटन, ये F1 बटन, F2, F3, F4, F5, F6, F7। तो इसमें क्या क्या है, रूल्स कैसा है, देखिए। जैसे कि लोड हो या खाली, पहला आप कांटा जब निकाल रहे हो कोई भी गाड़ी का, जब वो कांटा होने को पहली बार आया है तो आपको दबाना है प्रेस 1 F1 में, F1 में। ठीक है, फिर आपको जैसे कि F2 का यूज़ क्या होता है कि जो गाड़ी एक बार कांटा होकर चला गया होता है, उसको अगर डबल आता है, वो अपना फाइनल कराने के लिए डबल आता है, तो हम दबाते हैं F2। F2 से क्या है, फाइनल पर्ची निकल जाती है, उसका नेट वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा F3 का, यहाँ से आप RST डाल के कौन से गाड़ी का कैसा RST है वो डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से F4 से क्या होता है कि आपको अगर कोई आपको डबल पर्ची मांग रहा है, एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2-4 रोज के बाद वो आया कि भाई मेरे को इस RST का मेरे को एक और पर्ची चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डबल पर्ची देने के लिए F4 दबा देना है। F4 जैसे दबाओगे यहाँ पर आएगा RST नंबर फॉर प्रिंट, फिर यहाँ कर आपको RST नंबर टाइप करना है, फिर इंटर मार के उसको दे देना है। ठीक है, F5 में क्या होता है, F5 का वजन ऐसा है कि जैसे कि कई कई गाड़ियां ऐसी आती है जिसको अपना खाली वेट पता रहता है, जैसे पिकअप आ गया, ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर का क्या है कि वो लोग डबल नहीं आना चाहते, क्या उन लोगों का बेफजूल का डीजल खर्चा होता है। जो लोग जानते हैं अपना खाली गाड़ी का वजन, वो लोग क्या करते हैं कि खाली गाड़ी का वजन बता देते हैं, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से टाइप करोगे आपको व्हीकल नंबर देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर पार्टी नेम मिलेगा, फिर आपको मटेरियल्स मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके आपको लास्ट में इंटर में मिलेगा, इंटर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इंटर टायर वेट। जैसे आप इंटर करोगे इंटर टायर वेट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि इंटर टायर वेट आप अलग से डालोगे। यहाँ पर जो 0 दिख रहा है उसमें हमारा लोड गाड़ी खड़ा रहेगा, और यहाँ पर 0 यहाँ इंटर टायर वेट का ऑप्शन है, वहाँ पर हमको डालना है अपना जो भी वज़न हो, जैसे कि मैंने डाल दिया पिकअप का 2100 क्विंटल ऐसा। तो फिर यहाँ आपको देख यहाँ प्रिंट मारोगे आप, तो फिर आपको वो वेट घट कर नेट वज़न निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हीकल नंबर देखने के लिए F6 का भी उपयोग करना पड़ेगा, और जैसे कि हमको चाहिए पूरे एक दिन का रिकॉर्ड पर्ची जब से हम निकालते हैं ना, वैसे हम आपको दबाएंगे F7। F7 में क्या है, आपको डेट का डी फिर यहाँ पर टाइप करना है, जैसे आप 31/12/2020 सेम प्रोसेस डबल डालना है, 31/12/2020 फिर आपको इंटर ऑटोमेटिक वो प्रिंट चालू कर देगा, प्रिंट लेना चालू कर देगा। फिर यहाँ से आप लोगों को सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, एकदम इजीली है। बस आपको करना है F1, F2, F3 का उतना नहीं रहता है काम, F4 का भी उतना नहीं रहता है, इमरजेंसी में काम आता है वो, F5 का कभी कभार होता है काम, और आपको मेन है F7, F1, F2। ठीक है, फिर यार जैसे कि मैंने बताया भी, आपको अगर समझ आया होगा वीडियो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब ठोकना, और बेल आइकन को भी दबाना यार, प्लीज़ यार दबाना यार, बहुत मेहनत करते हैं यार वीडियो बनाने के लिए। सो यार लेट्स गो, बाय।